हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश ग्रुप फोर असिस्टेंट ग्रेड थ्री की मैथ की क्लास नंबर टू को लेके आए हैं, जिसमें हम लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित जो मैथ की क्वेश्चन है उन्हें हम सॉल्व कराएंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी की। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पटवारी से ही है। वन रक्षक के जैसे आंसर की आएगी तो वन रक्षक के आंसर की भी हम क्वेश्चन जो होंगे मैथ के उसको करा देंगे। तो ये क्लास जो है आपकी पर डे 8 बजे स्टार्ट होती है पीएम पे, तो 8 बजे आपको ये डेली मिलेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, और टेलीग्राम पे जाके ड्रीम चौपट्टा को सर्च करना है तो वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, यदि घन के किनारों की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि घन है उसकी लंबाई को दोगुनी कर दी जाए तो घन के आयतन में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, यानी कि जो घन का जो आयतन है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो घन के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। घन एक मिनट, घन का जो आयतन आपका होगा, घन का आयतन वैल्यूम होता है ए क्यूब। आपको इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ यही पता होना चाहिए, बस हो गया। इस फॉर्मूले में आप पुट करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि घन का जो है लंबाई है जो पहले से दुगनी है, यानी कि पहले जो थी, पहले इसकी जो थी 1 थी लंबाई, और अब जो हो जाएगी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, दोगुनी, यानी कि दोगुनी। इन वैल्यू को बस पुट कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम, पहले का वॉल्यूम एंड अभी का वॉल्यूम, ठीक है। अभी का वॉल्यूम इस समय जो क्या होगा, अभी का वॉल्यूम हो जाएगा। पहले में जो लंबाई जो थी ए कितना मान था, ए का मान था एक था, एक का क्यूब हो जाएगा, और रिसेंट के लिए ए का यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा। ए का क्यूब 1 ही होता है, और 2 का क्यूब जो हो जाएगा वो 8 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास कितने वृद्धि हुई है, तो देखिए मान लो पहले कितनी थी, 100% थी, तो एक बराबर 100% ही था, 8 बराबर कितना होगा, 800%। तो इस समय जो इसकी हो जाएगी वो 800%, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन में वृद्धि होगा, 800% की वृद्धि होगी। देन देखिए, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए, किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो पुराने गोले के और नए गोले का अनुपात बताना है, पुराने गोले और नए गोले का अनुपात बताना है। तो जब भी गोले की बात है तो 2 फॉर्मूले आपको दिमाग में हमेशा याद रखने चाहिए, गोले का क्षेत्रफल और गोले का आयतन। तो यहाँ पर दोनों लिख लीजिए, गोले का क्षेत्रफल, गोले का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr² होता है। देन गोले का आयतन, गोले का आयतन, तो गोले का जो आयतन होता है 4π3πr³ होता है। ये 2 फॉर्मूले को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि त्रिज्या को 3 गुनी कर दी जाए। तो मान लो कि हमारी पहली त्रिज्या कितनी थी, R1 बराबर हमारी पहले थी 1 थी, और अभी R2 जो होगी, नई त्रिज्या जो हो गई हमारी वो 3 हो गई। R1 बराबर 1 था, R2 बराबर 3 हो गई। इनका अनुपात बताना है, तो अनुपात के लिए देखिए, अनुपात जब भी निकालेंगे तो अनुपात के लिए फॉर्मूला जो आयत का अनुपात अगर बोल रहा है, ठीक है, उनके आयतन का अनुपात अगर बोल रहा है तो इसके लिए रेशियो जो होगा फॉर्मूला का, R1³ ratio R2³। इसको याद रख, देखिए ये फॉर्मूला यहीं से आया हुआ है, इसको जो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पास 4π3πR1³ ratio 4π3πR2³ का रेशियो होना चाहिए। तो ये दोनों जो था 4π3π कट जाता है, तो वहीं से R1³ और R2³ आ रहा है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पास लिख दिया, ठीक है। तो R1 बराबर क्या था, 1 था, ये 1 का क्यूब हो जाएगा। R2 बराबर कितना था, 3 था, ये 3 का क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 ratio 3 का क्यूब होता है 27। तो ये आपका आयतन का रेशियो आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। दिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चालक 2 मीटर, सॉरी 2 मिनट, यहाँ पास मीटर नहीं है, 2 मिनट
30 सेकंड में, 2 मिनट 30 सेकंड में 60 मीटर की दूरी तय करता है। साइकिल सवार की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी? तो यहाँ पर गति हमें बताना है, तो एक बेसिक फॉर्मूला इसका होता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। देखो दो से तीन चीज आपको दिमाग में रखना है बस, उससे आपके जितना भी ये टाइम एंड डिस्टेंस इक्वेशन हो गए सारे क्लियर हो जाएंगे। एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट और नोट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट ये होगा, जब भी आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी होगी, किलोमीटर पर घंटा में होगी, और इसको कब किस में करना है, मीटर पर सेकेंड में, तो इसमें गुणा करना पड़ेगा 5/18 का। तो इस स्पीड में आपको 5/18 गुणा करना पड़ेगा। यही यदि स्पीड मीटर पर सेकेंड में दी हुई है और इसको हमें किलोमीटर पर घंटा में करना है, तो इसे 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 18/5। ये तीन पॉइंट्स आप साइड पर अपनी नोट्स पे लिख लीजिएगा। देन अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पास 2 मिनट 30 सेकंड यानी कि टाइम दिया है। टाइम यहाँ कितना हो जाएगा, 2 मिनट में यानी कि 120 सेकंड होते हैं और 30 सेकंड और है तो 150 सेकंड हो गया। 2 मिनट में, 1 मिनट में 60 हो तो 2 मिनट में 120 प्लस 30 150 टाइम हो गया। डिस्टेंस यहाँ कितनी दी हुई है, 60 मीटर दी हुई है। स्पीड इस फॉर्मूले में रख देंगे तो स्पीड बराबर यहां से निकालेंगे डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। डिस्टेंस हमारी कितनी है, 600 मीटर, मीटर अपन टाइम कितना है, 150 सेकंड। अब देखिए यहां पास, यहां मीटर पर सेकंड में है, आंसर आपका किलोमीटर पर घंटा में है, तो यहां मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा करने के लिए 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 600 × 15 × 18/5 इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 का करेंगे, यहाँ 12 × 5 = 60 होता है, 5 का करेंगे जब तो कितना होगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा। देन देखिए इस 12 को, यहाँ पर एक जीरो है, किसने से करेंगे, 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 18 × 4 कितना होता है, 72 हो जाता है। तो यहाँ पास आ जाएगा 72/5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर में ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 का जब भाग 72 में देंगे तो ये आपका आ जाएगा, 1 बार गया 2 बचेगा, 5 × 20 फिर 2 बचेगा तो यहाँ पास 4 हो जाएगा, तो ये आपका 14.4 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। तो एक छात्र को 25% अंक प्राप्त है, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक है, एक छात्र जो है उसे 25% अंक प्राप्त होते हैं और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक छात्र को 75% अंक प्राप्त हुए हैं और वह उत्तीर्ण मानक से यानी कि जितना उत्तीर्ण परसेंट है उससे 35% अधिक है। उच्चतम संभव नंबर हमें बताना है कि टोटल जो पेपर था वो कितने नंबर का था। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा लिख लेना है कि 25% जो बच्चा पाया है, 25% कितने नंबर से फेल हुआ, 15 नंबर, तो माइनस कर 15 लिख लेंगे, 15 नंबर से फेल हुआ तो कर देंगे माइनस का 15। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरा छात्र है 75 अंक प्राप्त करता और 75% प्राप्त करके 35% अधिक यानी कि उत्तीर्ण मानक से, तो उत्तीर्ण मानक हम निकाल लेंगे वो कैसे, 75% - 35 कर देंगे, 75 - 35 जब करेंगे तो यहाँ पास हमारा आ जाएगा उत्तीर्ण मानक, तो ये कितना होगा, 40। तो ये 40% है, ये पास होने के लिए चाहिए, पास होने के लिए आपको 40% चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए 25% जब पाता है तो 15 नंबर से फेल होता है, तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, 25 और 40 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 15% का, यानी कि ये जो 15% हो गया इस 15 नंबर के बराबर होगा। तो 15% बराबर आपको कितना होगा, 15 नंबर के। देन हमें बताना है 100%, तो 100% बराबर होगा 100 नंबर, तो इसका आंसर होगा 100 नंबर हो जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 दिया हुआ है, एक साथ मिलकर वो किसी काम को 42 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों जब कार्य करते हैं तो 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक कार्य किया है और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया है, तो काम करने में पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो हमें इसमें बताना है टोटल टाइम। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकाल लेंगे, टोटल काम कैसे निकालेंगे, तो टोटल काम निकालने के लिए
इनकी दक्षताएं, इनकी जो एफिशिएंसी होती है इनटू जितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य जो हो जाएगा, कुल कार्य बराबर होगा दक्षता, दक्षता इनटू समय, जो भी जितने दिन का समय लग रहा है। तो दक्षताएं इनकी तीनों की जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8, 5 और 7, इनको जब आप जोड़ रहे हैं तो ये होगा 8, 2, 10, 15, 5, 20, ठीक है। तो 20 दिन की दक्षता हो गई इनटू समय कितना ले रहा, 42 दिन का समय ले रहा, 42 दिन का समय लिया और 20 हो गया। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 4 और 8, ठीक है। तो टोटल काम हो गया हमारा 840, ये हमारा टोटल कार्य आ गया। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है कि बी प्लस सी मिलके 21 दिन कार्य कर, तो इनका हम कार्य देख देंगे कितना कार्य कर ले रहे हैं बी और सी। बी की एफिशिएंसी आप हमारे पास कितनी है, 5 है, बी की एफिशिएंसी 5 है और सी की एफिशिएंसी 8 है। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 21 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ये टोटल काम इनका कितना हो गया, 8, 5, 13 इंटू 21, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा, यानी कि 3, 11 बचेगा, 13 दुनी 26 हो जाएगा, 26 और 11 कितना होगा, ये आपका 37 हो जाएगा, 373 काम। देखिए 373 काम बी और सी मिलके 21 दिन में करते हैं, टोटल काम हमारे पास 840 था। तो अभी कितना कार्य बचा, बकाया कार्य देख लेते हैं, बकाया काम जो हमारा कितना बचा, कार्य टोटल हमारा 840 था, उसमें हमने कितना घटाएंगे, 337 का काम कर लिया है अभी, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 567 काम बचा। अब इस काम को कौन करेगा, इस काम को सी को अकेले करना है। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी को कितने ए को कितने दिन में काम करेगा, तो ए के द्वारा किया गया, ए के द्वारा 567 काम है, 567 काम है। ए की दक्षता कितनी है, ए की दक्षता 7 है, तो ये कितने दिन में करेगा, देखिए 7, 8, 56 और 7, 81 दिन में ये काम कर रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टोटल काम पूछ रहा है, तो टोटल काम होगा 81 दिन प्लस पहले जो काम किया गया था ये 21 दिन का काम जो इन्होंने मिलकर किया था, तो 21 दिन ये काम किए थे, 81 दिन ए किया और 21 दिन बी प्लस सी किया, तो टोटल काम हो जाएगा 2 और 810, 102 दिन में ये कार्य को पूरा कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जिसका सी होगा वो सही होगा। ठीक है, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 7 है, अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं के बीच में अंतर क्या। देखिए ये क्वेश्चन में कल के वीडियो में बताया हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। तो देखिए सबसे पहले औसत के बारे में आपको समझना चाहिए, औसत क्या होता है, जैसे दो संख्याएं होंगी उनके बीच का जो नंबर होगा वो उसका औसत होता है। जैसे कि सिंपल से एग्जाम्पल एक बताया दे रहा हूँ कि 2 और 4 के बीच में औसत कितना होगा, इनका 3 हो जाएगा। नॉर्मल मेथड से भी इसको जोड़ेंगे, 4, 2, 6, 5, 2 तो 3 हो रहा है, ठीक है। जैसे कोई और बड़ी 3-4 संख्या का ले रहा है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 और 6, इन संख्याओं का औसत कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच का संख्या 4 है। देन क्वेश्चन में चलेंगे, देखिए कितनी विषम संख्याएं हैं, 5 विषम संख्याएं हैं, तो यहाँ पास 5, 1, 2, 3, 4 और 5, तो औसत कितना है, 7, तो बीच वाला औसत होता है तो 7 को बीच में कर देंगे। तो इधर इस साइड बड़ी संख्या होगी, इस साइड छोटी, तो 7 से बड़ी विषम संख्या क्या होगी, 9 होगी, उससे बड़ी क्या होगी, 11 होगी। 7 से छोटी विषम संख्या क्या होती है, 5 और 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन दोनों 11 और 3 के बीच में अंतर क्या होता है, तो 11 - 3 बराबर कितना हो, 8, तो इसका आंसर जो होगा 8 हो जाएगा। देन देखिए एक कार्य को 20 ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। बी ने इसके लिए 9 दिन समर्पित किए, यानी कि बी ने 9 दिन का कार्य किया है, शेष कार्य ए के द्वारा किया कितने दिनों में समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, क्षमताएं निकालते हैं कितनी है, तो ए और बी, ठीक है, ए कितने दिनों में करता है, 20 दिन में, और बी इसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम क्या, एलसीएम के लिए बड़ी वाली संख्या में देखते हैं कि छोटी वाले का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो देखिए 12 का करेंगे 20 में नहीं जाएगा, तो फिर 20 का मल्टीपल देखेंगे, तो 20 का मल्टीपल 60 आएगा, तो 12 × 5 = 60 हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी 3 एफिशिएंसी होगी, यहाँ 5 हो जाएगी, 12 × 5 = 60 और 20 × 3 = 60, तो ए की एफिशिएंसी 3 है
और बी की जो एफिशिएंसी है 5, यानी कि ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा। देन अब देखिए क्या कह रहा है, बी ने इसके लिए 9 दिन, यानी कि बी ने 9 दिन काम किया, तो बी ने 9 दिन काम किया तो बी ने टोटल काम कितना किया, बी के द्वारा किया गया कार्य, बी के द्वारा कितना कार्य किया गया है, 5, एफिशिएंसी कितनी इसकी 5 है, इंटू कितने दिन किया है, 9 दिन के, यानी कि 45 काम कर चुका है, बी ने 45 काम कर दिया। टोटल हमारा ये जो होता है ये टोटल काम होता है, तो 60 काम में 45 काम बी कर दिए, तो कितने काम बचे, 60 माइनस 45, तो यहाँ पास आपके 15 काम बचे, 15 दिन काम बचे, ठीक है। 15 जो काम है उसको करने कौन करेगा, ए करेगा, तो ए जब करेगा 15, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 15 काम करने के लिए कितने दिन लेगा, 3 × 15 5 दिन ले लेगा, ये जो है 15 काम करने के लिए 5 दिन, तो इसको ऑप्शन होगा बी नंबर सही हो जाएगा। देन देखिए सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन, जब भी सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आएगा, हालांकि सारे बच्चों ने कर लिया होगा, आप बोर्ड मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बोर्ड मार्क्स, जो पहली बार भी क्लास देख रहा है तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन भाग वाले को, उसके बाद मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ऐसी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पास देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं, इसको पहले हम पूरा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सब ब्रैकेट में भी सबसे पहले आपको भाग वाला होगा, तो ये 100 था इधर, इधर 10, तो 10 यहाँ से 10 यहाँ, तो यहाँ 100 बच रहा है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई वाला, तो यहाँ पास देखिए 4 × 20 कितना, 80 हो जाएगा, प्लस 20 × 2 40 हो जाएगा, और माइनस 100, जब इसे सॉल्व करेंगे तो 80 × 40 = 120 माइनस 100, यानी कि आपके पास ब्रैकेट में कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। अब देन देखिए पूरा हम लिखते हैं 909/9 माइनस 100 प्लस 50 × 2 और माइनस ब्रैकेट में 20, ठीक है। अब देखिए भागे वाला जब करेंगे, इसको जब हम कर रहे हैं तो यहाँ हमारा 101 आ जाएगा, 9 से कटेगा, माइनस 100 हो गया प्लस, अब देखिए इसको करेंगे सबसे पहले सॉल्व करेंगे 50 × 2, ये 100 हो गया एंड माइनस 20, 100 से 100 गया, माइनस 20 था और ये कितना था, 101 था, तो 101 में जब हम 20 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर होगा। तो इसका जो है 101 माइनस 20 तो ये होगा आपका 81, तो 81 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपलीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, 4/2 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 2 × 1/2 माइनस फिर ब्रैकेट में 6 × 1/2 माइनस 4 × 1/2, तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करना है, 4/2 प्लस ब्रैकेट में आपका था 2 × 1/2 माइनस 6 × 1/2 ये ब्रैकेट में था और माइनस 4 × 1/2, इनको थोड़ा सा सिंपल लिख लेंगे सिंपल फॉर्म में, 4/2 प्लस यहाँ पास 4 था सॉरी, ये हो जाएगा, इसको देखिए सब सिंपल फॉर्म कर, 4 × 8 प्लस 9 × 4 हो गया 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर देखिए 6 × 2 में करेंगे 12 प्लस 1 = 13 13/2 माइनस 4 × 2 में करेंगे 4 × 8 और प्लस 1 है तो यानी कि 9/2, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले इनको जब सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो देखिए यहाँ पर नीचे बेस दोनों को दो दो बराबर है तो ऊपर का माइनस हो जाएगा, तो 13 में माइनस जब नौ करेंगे तो 9 × 4 = 13 हो रहा है, तो यहाँ पास हो जाएगा 4/2 और 2 से 2 कटे 2, पूरे ब्रैकेट में हमारे पास 2 आ गया, ठीक है, 4/2 प्लस यहाँ ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 9/4 और पूरा ब्रैकेट का कितना है तो -2, इनको हम सिंपली कर सकते हैं इसके बटे 1 कर देंगे, सारा कर देंगे, कोई मल्टीपल में तो है नहीं प्लस माइनस है तो हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, तो 4 हो जाएगा तो बिधर जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, देन 4 सेम है तो यहाँ पास 9 हो जाएगा माइनस यहाँ पास आपका क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, देखो 1 है नीचे तो 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीपल 2 में होगा तो 4 × 8 तो यहाँ पास 8 कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आएगा 9/4, तो यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही होगा। देन देखिए एक तार कारखाने में एक निरीक्षण में यह देखा गया कि तांबे के तार का नौवां भाग और पांचवा भाग मिलकर 910 है, तो तांबे के तार की पूरी लंबाई क्या है, तो ठीक है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो हम मान लेंगे पूरी जो लंबाई है, माना कि पूरी लंबाई जो है एक है, एक मान लो, 100 मान लो, 10 मान लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है, एक है लंबाई। अब उस लंबाई का नौवा भाग, 1/9, यानी एक का नौवा भाग 1/9, प्लस उसका 1/5, पांचवा भाग 1/5, दोनों मिलकर कितना है, 910। बस इसका एलसीएम ले लेंगे, आंसर आपका आएगा 9×45 हो जाएगा, इधर होगा 5 और इधर 9 हो गया, इंटू 910, तो 9×5 कितना होगा, ये होगा 14 हो जाएगा, इक्वल टू 910। ये 45 का गुणा इस साइड होगा तो गुणे 45 हो जाएगा, ठीक है। देन आपको सिंप्लीफाई, एक चाहिए था, एक बराबर होगा 910 इंटू 45/14। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको कट करेंगे, किससे कट गए, 14 से कट हो जाएगा, जी 14 से 910 कट हो जाता है, तो 14 जब कटेंगे 91, ये होगा 13 बार, यहाँ 130 आ जाएगा, ठीक है, 130 दो, 7 से कट रहा, 7 × 2 = 14 हो जाता है, और 7 का जब भाग दे रहे हैं तो 13 बार जा रहा है, तो 2 पर देंगे तो ये हो जाएगा 130 में 65, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 65×45, ठीक है। कैलकुलेशन समझ गए होंगे, देखिए 14 में 7 का 2 बार, 7 × 14, और इधर 7 × 1 = 7, और इधर जो बच रहा है 2 × 7 = 21 होता है। देन अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 29/25, ठीक है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, 29/25 आ जाएगा इसका जो आंसर आपका, तो होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देन देखिए, यदि एक्स का 41% का मान इतना दिया हुआ है, 738 दिया, तो एक्स का मान देखिए, एक्स का जहाँ के 45% जब दिया है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 41% बराबर आपका 738 दिया हुआ है, यानी कि एक्स का 41% दिया है 738, तो 100% निकालने के लिए यक्स इंटू 41/100 इंटू 738, इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा, देखिए 100 जो है वो आपका इस साइड चला जाएगा, तो ये होगा एक्स इंटू 41/738, सॉरी इक्वल टू 738×100, ये आपका आ रहा है। अब जब इसका मल्टी इसका डिवाइड करेंगे, 41 का जब भाग दे रहे हैं, तो 41 का जो 738 में 18 बार भाग जाएगा, सॉरी ये 18 बार चला जाएगा, तो यक्स का जो मान होगा 1800 हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा। देन एबीसी की औसत उम्र 30 वर्ष दी हुई, यदि बी को डी से प्रतिस्थापित, यानी कि उसकी जगह बी की जगह डी को कर दिया जाता है, और तथा सी डी से 10 वर्ष बड़ा है, ए सी की, ए और सी प्लस डी की औसत आयु 30 वर्ष है, ए सी से 20 वर्ष छोटा है, और डी से 10 वर्ष बड़ा है, तो चारों की औसत आयु, देखिए देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, पर बेसिक मेथड से जब इसे करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, ए बी सी की औसत आयु, तो इनकी टोटल आयु निकाल लेंगे, तो ए बी सी की आयु का जो सम होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये 30×बटे में औसत 3 होता है, तो 3 इधर चला जाएगा, तो ये होगा 90 साल। ए बी सी की आयु को मिला के कितने साल हो रहे हैं, 90 साल हो रहे, तो ऑप्शन इसको ए मान लीजिएगा समीकरण, ठीक है। देन क्या कह रहा है, यदि बी को डी से प्रतिस्थापित करते हैं, यदि बी को डी से प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होता है, ए ए सी और डी की जो औसत आयु हो जाएगी, ए सी और डी की औसत आयु 30 हो, तो ए प्लस सी प्लस डी बराबर भी आपका 30×3 90 हो जाएगा, ठीक है, इस पॉइंट को आप समझ के रखिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, सी जो है डी से 10 वर्ष बड़ा है, सी क्या है, डी से 10 वर्ष बड़ा है, ठीक है, डी से कितने वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष, तो हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पास क्या होगा, सी जो है डी से 10 वर्ष, तो डी प्लस 2, तो हम ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पास जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो हम डी के टर्म में कर दे रहे हैं, तो ए प्लस सी बराबर डी प्लस 10 कर देंगे, और प्लस डी हमारे पास ऑलरेडी था, ये बराबर 90 था, ठीक है, तो यहाँ ए प्लस 2D बराबर होगा 2D हो गया, 10 इधर से राइट साइड जाएगा, तो 90 - 10 = 80 होगा, ये इक्वेशन थर्ड मान लो, ठीक है, 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई, थोड़ा अब सिंप्लीफाई हुआ। देखिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या कह रहा है, कि ए जो है सी से 20 वर्ष छोटा है, तो ए छोटा है किससे, सी से कितना, 20 वर्ष,
देन डी से 10 वर्ष छोटा है, यानी ए जो है डी से भी छोटा है। कितना छोटा है? 10 वर्ष छोटा। ये दो चीजें हो गई, ठीक है, यहाँ पास कितने पॉइंट्स आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे कि जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू को डी से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए यहाँ पास क्या था, ए प्लस टू डी डी बराबर 80 था, यहाँ ए और डी था, तो ठीक है यहाँ पर हम डी का मान निकाल लें या फिर ए का मान निकाल लें, दो में से हम एक मान को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए हम निकाल लेते हैं, यहाँ पास इसके मान को निकाल लें, हम यहाँ पास हम निकाल रहे हैं ए के मान को। तो ठीक है, जब हम इसको पुट कर रहे हैं तो ए प्लस सॉरी यहाँ पास, ठीक है यहाँ पास क्या था, ये बड़ा था। तो यहाँ पास देखिए इसमें पुट करेंगे तो ए प्लस, देखिए यहाँ पास देखिए ए प्लस टू डी बराबर हम क्या कर देंगे, डी बराबर ए प्लस 20 आ जाएगा, डी बराबर यहाँ से हम डी जब निकाल रहे हैं तो ये -10 इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो ये होगा ए बराबर होगा ए, डी बराबर ए प्लस 20 हो जाएगा, डी बराबर ए प्लस 20। तो इसे जब सॉल्व करेंगे कि 80 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जिस वाली इक्वेशन में हम सारी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, डी बराबर ए प्लस 20। तो यहाँ पास देखिए कितना होगा, एक यहाँ था 2 या 3, ए बराबर यहाँ से हो जाएगा 3, ए बराबर यहाँ पास कितना हो जाएगा 40 और 20 कितना हो जाएगा, 3 ए बराबर आपको कितना हो जाएगा यहाँ पास, ये अच्छा ये 10 था, सॉरी 10 था, 20 अंदर जाएगा तो यहाँ पर 80 माइनस 20 ये होगा 60। तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ए की वैल्यू आ गई 20 वर्ष, ठीक है, ए की वैल्यू आपके पास 20 वर्ष आ गई। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे के चलना है कि थोड़ा कंफ्यूजन मत हो, ए की एज हमारे पास 20 वर्ष आ गई है, ठीक है। अब हमें ऐसे ही करके बी सी और डी की एज को भी निकालना है, ठीक है, बी सी डी की एज को भी निकालना है, ठीक है। जब ए की एज आ गई तो डी की एज आराम से यहाँ इसी इक्वेशन पुट करके हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास ए प्लस 2d बराबर 80 था, ए बराबर हम 20 पर करेंगे पुट करेंगे, 2d बराबर 80। तो जब 20 इससे राइट साइड जाएगा तो माइनस होगा, तो 80 माइनस 20 कितना होगा, 60 होगा, तो 2d बराबर 60, तो d बराबर हमारे पास आ गया 30, ठीक है। d का मान आ गया, a का मान आ गया, हमारे पास क्या बचा, c और b का मान, किसका बचा, सी और बी का मान निकला। जब ए और डी का मान आ गया तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हम सी का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ए प्लस सी प्लस डी बराबर कितना था, 90 था, ए बराबर हमारा कितना था, 20 वर्ष था, सी बराबर सॉरी डी बराबर 30 था, तो ए बराबर 20 और डी बराबर 30, तो ये दोनों 50 हो गए, तो सी बराबर जो हो गया 90 माइनस 50 बराबर कितना हो गया, 40 वर्ष। इसका भी आ गया, सी का मान भी आ गया 40 वर्ष, सी का मान कितना आ गया 40 वर्ष। अब सिर्फ बी का मान बचा है, तो बी का मान हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, पहली एक ए बराबर देखिए कितना था, यहाँ पास लिखते ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारा है 90, ए बराबर हमारे पास 20 साल है और सी बराबर कितना है 40, तो 20 प्लस 40 कितना 60, तो यहाँ पास हम बी बराबर निकालेंगे 90 माइनस 60, तो बी का मान आ गया 30 साल। चारों का आ गया, इनका क्या करेंगे, चारों की एज आ गई तो चारों की एज जोड़ के अपॉन 4 कर देंगे तो औसत एज आ जाएगी, तो औसत एक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 4, ठीक है। ए बराबर कितना था, 20 था, 20 प्लस बी बराबर 30 था, सी बराबर कितना था, 40 था, और डी बराबर आपका कितना था, 30 था। तो इनको जब ऐड करेंगे 30 60 और 40 100 और 20 120, 120 बटे 4, 120 बटे 4 हो जाएगा। तो आप देखिए 3 चौके 12 यानी कि एवरेज 31 साल हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए थोड़ा सा इसमें लेंदी था, पर आपको अगर बेसिक मेथड से करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी गई है तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, किसी भी गोले में गोले की जो त्रिज्या जो है रेडियस है उसको कितना बढ़ा दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पास एक काम करना है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी परसेंटेज में बढ़ाया हुआ है तो हम इसका फ्रैक्शन निकाल लेंगे, 20% को क्या लिखते हैं, 1/5, 20% बराबर 105 था, नीचे वाली संख्या जो होती है ओरिजिनल नंबर होती है, ऊपर क्या होता है जो भी बढ़ा घटा है, ठीक है। तो पहले जो संख्या थी हमारी, पहले जो था, पहले जो रेडियस थी वो, रेडियस की बात करें त्रिज्या 5 थी, अब नई जो हो जाएगी, नई त्रिज्या जो हो जाएगी 5 और 1 बढ़ा है तो प्लस 1 6 हो जाएगी, नई जो होगी हमारी 6 हो जाएगी। अब
आयतन की बात कर रहा है, आयतन के ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गोले के जब भी आयतन की बात आएगी तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आर वन का क्यूब रेशियो आर टू का क्यूब, आर टू का क्यूब, ठीक है। तो आर वन बराबर क्या था, पांच था, तो यहाँ पास पांच का क्यूब देन छह का क्यूब, पांच का क्यूब कितना होगा 125, छह का क्यूब आपका कितना होगा 216, देन इनके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि प्रति कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी पहले के मुकाबले, ठीक है। तो इनके लिए कितना हो जाएगा, एक हो गया, यहाँ पास कितना है एक है और ये दो है, तो यहाँ से यहाँ से लिए 11, यानी कि 9, 91, इन दोनों के बीच में अंतर है। तो परसेंट निकालने के लिए परसेंटेज 91 बट ओरिजिनल यानी कि पहले का 125 × 100, ठीक है। तो 25 × 100, 25 × 5 = 125। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 72.8%, ये आ जाएगा 72.8%। देन देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, आकाश के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, आकाश के पास कुछ पैसे हैं, उसमें उसने उसमें से 10% का उपयोग किसने लिया, फोन खरीद लिया, 10% का फोन खरीद कर लिया, और शेष का 50% उसने एक लैपटॉप टैबलेट खरीद लिया, फिर उसने अनाथालय को 1500 रुपये दे दिए और उसके पास अभी बचे हैं 6600 रुपये। तो उसने लैपटॉप खरीदने में कितना खर्च किया, यानी कि लैपटॉप खरीदने में उसने कितना खर्च किया, ठीक है। तो देखिए इससे सबसे पहले कितना परसेंट हो उसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि उसके पास 100% था, 100% या 100 था, उसका 10% उसने खर्च कर दिया किसमें, फोन के लिए, फोन के लिए 10% खर्च के लिए, तो कितना बचा उसके पास, 90 बचा। अब 90 का 45% किसने खर्च कर दिया है, पचास परसेंट खर्च किया उसने लैपटॉप टैबलेट खरीदने में, ठीक है, टैबलेट या लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप वही चीज है, खरीदने में 50% खर्च किया। तो 90 का 50% कितना होगा, 90 का 10% होता है 9, 50 × 9 = 45, 90 का जो 50% होगा 45, तो 45 को जो हम घटाएंगे इससे तो यहाँ पास 45 ही बचता है, तो 45 अभी शेष बचा हुआ है, ठीक है, लैपटॉप खरीदने के बाद उस पर 45 शेष बचा, यानी कि उसने देखो फोन में उसने 10% खर्च किए हैं और लैपटॉप में उसने कितना खर्च किया है, 45 खर्च किया है। ये 50% मत देखिए, क्योंकि 50% हमने 90 का निकालना, 100 का नहीं निकाला, तो 100 में उस हिसाब से इसका 45 बच रहा है, शेष 45 बच रहा है, तो शेष 45 रुपये इसके पास होने चाहिए। तो देखिए 6600 रुपये हैं, लेकिन और भी तो उसके पास था जो इसने अनाथालय को दे दिया, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 6600 + ये 0, 6, 5, 13 और 6, 7, 1, 8, 8100 रुपये अभी है, 45 पर बराबर है 81। हमें क्या करना है, टैबलेट का निकालना है, तो टैबलेट बराबर भी हमारा 45 ही निकला था, तो ये भी आपका 81 ही हो जाएगा। अगर बात करेंगे देखिए 100% टोटल पैसा उसका पूछ लेता, ठीक है, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोटल पैसे पूछता तो देखिए 45 बराबर आपका कितना था, 81 था, 8100। 100% निकालने के लिए 100 × 81/45 × 100 ये करना पड़ता है 100% निकालने के लिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि उसके पास कितना पैसा था। सो आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर ना भूलिए।